एक ही चिता पर पिता पुत्र का हुआ अंतिम संस्कार, बारातियों से भरी कार का सफारी गाड़ी से हुआ टक्कर, दुर्घटना में 5 लोगों की हुई मौत। रोहतास जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र के NH2 सी पथ पर शनिवार की देर शाम बाराती से भरी कार व सफारी गाड़ी की टक्कर आमने सामने हो गई, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2 बच्चे समेत 5 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए नारायण मेडिकल जमुहार रेफर किया गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत इलाज के दौरान शुक्रवार को हो गई। इधर इस सड़क हादसे में मौत के गले समा गए सासाराम शहर के रामेश्वरगंज चलनिया निवासी सुमित प्रजापति एवं उनके 5 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। बताया जा रहा है कि उक्त सड़क दुर्घटना में रामेश्वरगंज के सुमित प्रजापति की गुरुवार की देर रात घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनके 5 वर्षीय घायल पुत्र आर्यन कुमार ने शुक्रवार को नारायण मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पहले से पिता का शव घर के बाहर रखा हुआ था, जिनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही थी कि पुत्र की भी मौत हो गई। इस कारण परिजनों द्वारा दोनों का एक ही साथ अंतिम संस्कार किया गया। गढ़वा शहर में खुला श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सभी प्रकार के ब्रांडेड कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान किफायती दामों पर, मेन रोड गढ़वा।